हेलो फ्रेंड्स, हम बहुत सारे लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब वीडियो अपलोड का जो स्टक का जो प्रॉब्लम है, यूट्यूब वीडियो अपलोड जब स्टक हो जाता है, कभी वो 5% पर होता है, कभी 10, कभी 30 या कभी 99% पर होने के बाद भी वीडियो अपलोड स्टक रहता है और वो फाइल फॉर्मेट को कभी बताता है, कभी इंटरनेट का कनेक्शन आपका पुअर बताता है। तो इसके दो अहम रीज़न होते हैं कि आपका वीडियो अपलोड स्टक हो जाता है। सबसे पहला रीजन तो ये है जो हर तरफ आपको आसानी से मिल जाता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले। और इंटरनेट कनेक्शन चेक करने के बाद अगर हमें कुछ डाउट होता है कि मेरे इंटरनेट कनेक्शन में शायद मेरा डेटा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो हम फिर इसको डेटा एड ऑन कर लेते हैं, टॉपअप मार लेते हैं या फिर से रिचार्ज कर लेते हैं हमारे प्लान को। ऐसी बहुत सारी बातें इंटरनेट कनेक्शन के ताल्लुक से हम करते हैं। और दूसरा रीज़न है कि अगर हमारा फाइल फॉर्मेट ये 4K अगर फाइल फॉर्मेट है या फिर ज़्यादा बड़ा फाइल फॉर्मेट है, तब भी वीडियो अपलोड होने के चांसेस होते हैं। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, एक बटन को क्लिक करना है। और जैसे ही इस एक बटन को आप क्लिक करते हो, आपका वीडियो अपलोड स्टक का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और यही सारी बातें फिर आप जब भी आपका वीडियो अपलोड करते हो और ऐसी समस्या आती है, तो बड़ी आसानी से आप इस समस्या का हल ढूंढ सकते हो, अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि वीडियो अपलोड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें विद इन अ मिनट। तो चलो देखते हैं कि व्हाट कैन बी डन टू गो थ्रू द प्रॉब्लम एज सच। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल पर चले जाएंगे, चाहे आप क्रोम पर चले जाएं या फिर आप चले जाएं आपकी सफारी पर या व्हाटएवर ब्राउजर यू आर यूजिंग। जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, इस ब्राउजर पर जाकर आपको करना है यूट्यूब साइन इन करना है आपको, ओके। यूट्यूब साइन इन कर लेना है और यूट्यूब साइन इन के पर जाने के बाद आपको फिर करना है साइन इन को क्लिक कर लेना है। साइन इन को क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगा यूट्यूब का, और इस विंडो में राइट साइड में आपके चैनल का लोगो आपको नजर आएगा, जो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है नो। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इंग्लिश भाषा प्रयोग राज त्रिभुवन 01 ऐसा मेरा यूट्यूब चैनल का जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे दिख रही है। यहाँ पर मुझको जाना है क्रिएटर स्टूडियो में, और जब मैं क्रिएटर स्टूडियो में जाता हूँ तो क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद मुझे और एक बात करनी है कि ये जो मेरा मेनू दिख रहा है, इस मेनू में जाकर मुझे कंटेंट पर क्लिक कर लेना है। और जो मेरा वीडियो, यहाँ पर तो कोई वीडियो मेरा अपलोड स्टक नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इस कंटेंट पर जाने के बाद आपका सारा कंटेंट आपको दिखता है और जो वीडियो आपका स्टक हुआ है उस वीडियो को आप क्लिक करते हो। और क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको क्या करना है, ये पूरी विंडो आपके सामने नजर आ रही है, और इस विंडो नजर आने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है कि जहां पर आपको इन द राइट साइड, आपका जो भी राइट साइड है मोबाइल का या फिर आपके आईपैड का या आपके लैपटॉप का, मैकबुक का, उसकी राइट साइड में जाने के बाद आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं, ओके। और इन तीन चीजों में एक रिफ्रेश का बटन नजर आ रहा है, ये रिफ्रेश का बटन। और जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो तो वो पेज रिफ्रेश हो जाता है, और जैसे ही ये रिफ्रेश होता है, ये मैजिकल बटन है, रिफ्रेश का बटन, ये मैजिकल है अपलोड स्टक के लिए। जैसे ही ये अपलोड को आप रिफ्रेश करते हो तो आपका अपलोड कैंसिल हो जाता है, लेकिन वो डिलीट नहीं होता है। और कैंसिल होने के बाद एक और जो स्ट्रिप आपको नजर आ रही है आपके कॉन्टेंट में, ये कॉन्टेंट में स्ट्रिप में एक और नाम जुड़ जाता है, री अपलोड। तो वही फाइल आप क्या कर सकते हो, री अपलोड कर सकते हो। ये बहुत जरूरी चीज है कि आपके अपलोड स्टक को निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इस रिफ्रेश बटन जो आपके यूट्यूब चैनल पर है, यूट्यूब स्टूडियो पर जो आप रिफ्रेश बटन नजर आ रहा है, उसको आप रिफ्रेश करते हो आफ्टर क्लिकिंग। आपके जो स्टक हुए वीडियो को क्लिक करने के बाद आपको रिफ्रेश बटन को क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करते हो तो पेज रिफ्रेश होता है, वो अपलोड स्टॉप हो जाता है और आपको री अपलोड के लिए पूछा जाता है। और जैसे आप री अपलोड करते हो तो फिर से एक बार आपकी जो फाइल है वो अच्छी तरीके से अपलोड हो जाती है। बस इतना ही करना है आपको।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कुछ ऐसी ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स के ताल्लुक से मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू।